ऑफिस का, ठीक है? ध्यान रखा करो पूरे दिन भर। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर चीज एक जैसी नहीं होती, हर दर्द एक जैसा नहीं होता। तब कुछ और एक्सपीरियंस था, अब कुछ और एक्सपीरियंस लो, मौज करो, है ना? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, अब मेरा रूटीन रोज़ का मेरा यही रहता है। तो अभी मेरे को थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रखी है, कल से मुझे फीवर भी नहीं आया है। तो आज मैंने थोड़े आज मैंने धोया है और मन भी नहीं करता है, और कुछ हमारे कपड़े भी नहीं हैं यहाँ पे। तो हम सोच ही रहे थे थोड़े दिनों में देखते हैं, एक बार घर का चक्कर लगाएं। निष्ठा का भी ट्यूशन स्टार्ट करना है। और देखिए ये जो पपड़ी जम गई है, मैंने 2-3 दिन बुखार में पड़े पड़े अभी मैंने बोरो प्लस लगाया तो इसको थोड़ा ऐसे ही रहने देती हूँ। ये भी पपड़ी निकल जाएगी, उसके बाद कुछ क्योंकि बुक फीवर में ना लिपस्टिक लगा रही थी, मन ही नहीं करता ना लिपस्टिक ना कुछ, ना बोरो प्लस ना लिप बाम, कुछ नहीं। वरना मैं लिप बाम हमेशा यूज़ करती हूँ, अब मैंने यूज़ नहीं करा तो यहाँ पे ये पपड़ी बन गया। पर कोई नहीं, मैंने बोरो प्लस लगाया, ये हट जाएगा तभी उसके बाद मैं कुछ अप्लाई करूँगी इसके ऊपर। और अभी मैंने बाल वाल नहीं बनाए हैं सिर्फ, अभी तो मैंने मुँह हाथ धोया, देखते हैं। अगर वैसे मौसम थोड़ा गर्माया सा हो गया है, भगवान करे ऐसा ही हो। यहाँ से तो इनके यहाँ से दिखता ही नहीं है, कपड़े सूखे रहते हैं। और निष्ठा, और निष्ठा की नानी मौसी है नहीं, ये गए हुए हैं बाहर, पता नहीं क्या करने गए हैं। निष्ठा की मौसी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास गए हुए हैं। लड्डू ने अपना नाश्ता बना के खा लिया है, मैं अपना जूस निकाल लेती हूँ। अगर ये पिएगा तो इसका भी निकाल दूंगी। जूस पिएगा? नहीं पिएगा? किसका? मैं मिक्स नहीं करूँगा, थोड़ा ये एक 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 ये मौसम्बी क्या है ये डालूंगी, पीनू थोड़ा 2-3 गाजर चुकंदर मिक्स ना, मैं तो जूस निकालूंगी अभी। तो मैं जूस बनाती हूँ, जूस में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है तो जूस बना लेती हूँ तब तक। जुकाम क्यों हो रहा है आपको? जुकाम हो रहा है आपको? तबीयत खराब हो गई बेटा, उड़ जाओ बाहर घूमने सर्दी में। वो ही लेके गया था मुझे कि मैं तो परेशान नहीं करेगी। सूट सूट कर रही है तो यहाँ ऊपर बैठ जा, दवाई मंगा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। क्या हो गया इसको? हम तो लाएंगे ही दवाई, हमें तो पता है ना, हमें तो जान में आफत होएगी ना अभी। क्या हो गया? तो पता है जुकाम हो गया तो ठंड में, घूमने जुकाम तो हो ही रहा है ठंड में, क्या हो गया? क्योंकि बाहर की कसूर है, बड़े बड़े क्या हो रहा? चले घूमने। क्या हुआ? नेजी वियोन क्यों ले दी उसने? थी नहीं वो? अरे तो दूसरे कैमिन से लाते ना, ये पावरफुल नहीं रहती ज्यादा। बच्चों की तो है भी यार, जो थी उसने दे दी, एक ही चीज होती है दोनों का। नहीं है, ओटरी भी ना अलग होती है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे, एज यूजुअल नहा धो के बाहर आ चुका हूँ। और अब क्या हो रहा है ना, आजकल बिल्कुल भी ठंड लग रहा है कम हो चुकी है, अब बिल्कुल लगती ही नहीं है ठंड। जैसे बाइक पे जाते हैं ना, मैं बाइक पे जाता हूँ तो 1-2 दिन से ऐसा हो रहा है कि ठंड लगी नहीं रही है। सुबह तो आज भी ऐसे ही था, निकला मैं बिल्कुल पैक होके, मफलर मार के, बिल्कुल पहन के, ग्लव्स वगैरह पहन के थोड़ी ही दूर गया, तब पता चला कि ठंड ही नहीं हो रही आज तो, और कल भी ऐसे ही था। तो अब थोड़ी मेरे को लग रहा है ठंड थोड़ी कम हो गई है, बाकी देखते हैं। अब तो वैसे भी 26 जनवरी भी आने वाली है, 26 जनवरी के बाद तो वैसे ही ठंड कम हो जाती है, उसके बाद तो फिर
फरवरी मार्च में तो ऐसी है, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाती है, लेकिन अब ठंड के कम होने का टाइम आ गया है तो अब धीरे धीरे लगती नहीं है उतनी ठंड, कम ही लग रही है। और अभी निष्ठा को आज जुकाम हो रहा है, तो अभी निष्ठा के मामले में से उसकी दवाई मंगाई थी ऑट्रिनोज, तो वो उसके लिए मैं लेके आया हूँ। पता नहीं आज बाहर थी पूरा दिन तो ऐसी है इसका, तो इधर उधर रहती है, ये मानती नहीं है। अब जुकाम हो चुका है उसको, तो मैं दवाई लेके आया हूँ। अभी भी देखते हैं उसका हाल चाल, लेते हैं क्या हाल है उसके। बाकी घर जाने का भी है, देखते हैं कब घर जाएंगे। अभी तो निष्ठा के मैं बोल रही है एक दो दिन में चलते हैं, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि हाँ चलो चलते हैं। अब ठंड कम हो गई है तो अभी निष्ठा की मॉम भी थोड़ा कर लेगी घर पे भी थोड़ा बहुत काम। वैसे तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया काम करने का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर लेगी, बाकी काम वाली तो है ही, वो कर लेगी। तो अभी देखते हैं, सोच रहे हैं एक दो दिन में चलते हैं घर, जैसे भी होगा आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। और जहाँ तक बात रही मम्मी के यहाँ जाने की, निष्ठा की दादी के यहाँ पे, तो सोच रहे हैं कि जाएंगे, लेकिन थोड़ा आराम से ही जाएंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट मंथ ही जाएंगे जहाँ तक है। बाकी अभी फ़िलहाल अपने घर जाते हैं, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है। बीच में हम गए थे एक बार, निष्ठा की मम भी गई थी, बहुत गंदा पड़ा हुआ है घर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने दिन से कोई है नहीं, सफाई हुई नहीं है, गंदगी गंदगी गंदगी। सारा सामान सड़ गया, फल सड़ गए, सब कुछ सारे निकाल के फिर मैं कूड़े के लिए, कूड़े वाले के लिए रख के आई थी, जब मैं कल जैकेट वैकेट वो लेने गई थी आपके साथ। अब और भी वो सड़ने वाला था, सड़ रहा होगा प्याज लहसुन, सब वो मैं देखा नहीं, इसीलिए वही है। जितनी भी सब्जियां पड़ी थी फ्रिज में और भी कई सारी चीज़ें थी, सब खराब हो गई। इतने दिन से हम है ही नहीं घर पे, एक डेढ़ दो महीना हो गया, लेकिन कोई नहीं, सब पता नहीं था। जाएंगे, हम फर्स्ट विजिट पे गए थे कि डॉक्टर ऐसे बोल दे, सोचा था कि वहाँ से यहाँ एक दो दिन रुकेंगे, टीशा का मन पहलेगा, अपने घर जाएंगे। अब ये थोड़ी तो होता है, ये कॉम्प्लिकेशन है, बेड रेस्ट बोल देगी डॉक्टर। हाँ वही, कल तो लास्ट पेपर है, मैथ का है, लास्ट पेपर है ना। खुशी खुश तो बहुत हो गए तुम, तो मैथ्स का है, तो लास्ट में तो है, एक तो मैथ्स का ध्यान रखा करो आप इसका, ठीक है, ध्यान रखा करो पूरे दिन भर, पूछते रह करो इसको, कुछ खाना है पीना है तो टाइम टू टाइम देते रहा करो। और आज पता क्या हुआ? क्या हुआ? मैं ना सुबह उठी है ना, मैंने मम्मा का, मैं उठते ही ऐसे सो गया। अब हम भी सोते हैं, चलो ठीक है, खेलो मत, मम्मा उसकी नींद खुल जाएगी। मम्मा झूला झूला रही है उसको, है मेरे को झूला झूला रहे हैं, वो कुछ नहीं है झूला रही है, इसे नहीं झूलाया, झूला तो मुझे कब आई, कब कब पेट में आई, कब बाहर आई, मुझे पता नहीं चला। ये दिन तो मेरे बहुत इतने हो रहे हैं। कोई नहीं, हर दिन एक जैसा नहीं होता ना, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती, हर दर्द एक जैसा नहीं होता। तब कुछ और एक्सपीरियंस था, अब कुछ और एक्सपीरियंस लो, मौज करो, है ना, मौज। चलो गाइस, सब सो चुके हैं, हम लोग भी सोते हैं, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल बटन की घंटी भी दबा देना। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।